Hey everyone, welcome to our channel. This is Pragmatic Girl. Welcome you all. You can follow us on YouTube, Telegram and Instagram also. This is the sixth part of my 1000 vocabulary series. So let's start. My first word is imminent. It's adjective जिसका मतलब होता है समुपस्थित और which will happen in a near future. Impending, at hand, close. Have a look on a picture. Here the man और ये banana peel पे क्या रखने वाला है पैर. इसके बाद क्या होगा? He will slip down and तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंसिडेंट है जो नियर फ्यूचर में है, जो होने वाला है. इट्स अ इमिनेंट इंसिडेंट. इस एंटोनिम इज़ रिमोट. रिमोट का मतलब होता है एट अ डिस्टेंट, फॉर, ये सब होते हैं इसके मतलब. इसका एग्जांपल सेंटेंस हो गया दे वर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे. ठीक है, तो वो इमिनेंट डेंजर पे थे, वो ख़त्म हो जाने की कगार पर थे, इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अकाउंटेबिलिटी. ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, आंसरेबिलिटी. तो ये इस हैव अ पिक्चर देखिए आप लोग. ये एक बॉस है, इज़ अ बॉस एंड दीज आर एम्प्लॉयज़. ओके, सो बॉस इज़ ऑलवेज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर एनी bad or good thing happen in his institute, his company. Okay, this antonym is irresponsibility. Example sentences: lack of accountability has corroded public respect for political leaders. तो lack of accountability जो होती है political leaders के अंदर, वो क्या करती है, public interest को ख़त्म कर देती है, that public उनकी respect नहीं करते हैं, करती है. Next जो है word है वो है deny. It's a verb जिसका मतलब होता है अस्वीकार करना, रिफ्यूज, टर्न डाउन, रिजेक्ट, इसके सिनोनिम हो गए. हियर द स्टोरी दैट, हियर द ट्रिक दैट ही इज अ डैनी, हिज नेम इज डैडी एंड ही डिनाइड दैट ही हैडंट अटेम्प्टेड अ क्राइम. ओके, वो डिनाई कर रहा है दैट उसने क्या किया है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है. तो डैनी क्या कर रहा है, डिनाई. तो डैनी ऑलवेज डिनाई. Antonym is accept. Example sentences: inquiry was denied as to intelligence sources. तो inquiry क्या हो रही है, जो intelligence sources हैं उन तक नहीं पहुँच पा रही है. ओके, excavation next word is, इसका मतलब होता है ये noun है जिसका मतलब होता है उत्खनन, मतलब unearthing, uncovering, revealing, किसी चीज़ को निकालना, किसी चीज़ को बाहर करना, इसका synonym हो जाएगा ये सब. एंड पिक्चर देखिए आप लोग, एक्सकवेशन में एक वर्ड आता है केव. केव मतलब होता है गुफा. सो यहाँ पे हियर द एक्सकवेशन ऑफ केव. ओके, दे आर एक्सकवेटिंग केव. सो बाय दिस पिक्चर यू कैन रिकॉल इट दैट एक्सकवेशन ऑफ केव. एंटोनिम इज़ बरी. बरी का मतलब होता है अर्थन करना, मतलब किसी चीज़ को दबाना, ठीक है, क्लोज करना. इस एग्जाम्पल सेंटेंसेस द मैथड ऑफ एक्सकवेशन हैव टू बी एक्सट्रीमली रिगरस, मतलब जो एक्सकवेशन के मैथड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिगरस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड होने चाहिए. और ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो सस्टेनेबल. इट्स एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सतत, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूस, वेएबल, वेएबल. ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सेनोनिम हो जाएंगे. और सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ करें जो हमें उससे बेनिफिट उठाएं, बट हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो भी उसका बेनिफिट उठाए, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल. ओके, जैसे हमको क्या करना चाहिए, हमारी अर्थ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो चीज़ रिसोर्सेज बचे रहें. तो इट्स कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इस एंटोनिम इज अनसस्टेनेबल, मतलब जो एग्जॉस्ट हो जाए, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाए. ओके, एग्जाम्पल सेंटेंसेस: इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी ग्रेजुअल एंड सस्टेनेबल. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रेजुअल होनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे होनी चाहिए और सस्टेनेबल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज स्पर. स्पर एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन, स्टिमुलस, इंसेंटिव, इनकरेज. ओके, अब ये पिक्चर देखिए. इफ़ यू विल वर्क बेटर और गुड देन यू विल गेट इंसेंटिव और बोनस. इट्स अ स्पर और यू विल गेट अ स्पर. सो अगर हम अच्छा वर्क करते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, उसी को बोलते हैं स्पर. ओके, एंटोनिम इज डिसइंसेंटिव. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: वॉस एक्ट एज अ स्पर टू प्रैक्टिकल इन्वेंशंस. प्रैक्टिकल इन्वेंशंस को स्पर करने में काम आते हैं वॉर्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है डेलीबरेट. इट्स एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है सविचार,
इंटेंशनल कैलकुलेटेड कॉन्सियस, ओके, कोई भी चीज़ इंटेंशनल करना, ओके. पिक्चर में देखिए, दीज आर पेरेंट्स एंड हियर द सन. तो ये क्या कर रहे हैं, इसको स्कोल्ड कर रहे हैं. दे आर स्कोल्डिंग द चाइल्ड इंटेंशनली. देख, वो जानबूझकर उसको क्या कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, ओके. इट्स एंटोनिम इज एक्सीडेंटल, मतलब अचानक से हो गया, कोई इंटेंशनल नहीं था, अन इंटेंशनल था. एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, अ डेलीबरेट अटेम्प्ट वॉज मेड टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट को उकसाने के लिए डेलीबरेट अटेम्प्ट किए गए, ठीक है, इंटेंशनल अटेम्प्ट किया गया. नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है इमिनेंट. इस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्रख्यात, इलस्ट्रियस, डिस्टिंग्विश्ड, रियोन्ड, ओके, जिसके बारे में सब जानते हैं, सब पॉपुलर. लाइक APJ अब्दुल कलाम इन अ पिक्चर, ही इज अ इमिनेंट साइंटिस्ट, ओके. इस एंटोनिम इज अननोन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, ही इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट, मतलब वो वर्ल्ड के मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट में से आते हैं, ओके. नाइन्थ जो है हमारा वो है एक्स्ट्रॉर्डनरी. इस एडजेक्टिव, इस असाधारण, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, अमेजिंग. हियर द वर्ड, हियर द टू वर्ड्स, ठीक है, ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डनरी इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, विच इज़ नॉट ऑर्डनरी, ओके. तो जो ऑर्डनरी नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा. एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डनरी. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज फ्लाइंग इन द स्काई वॉज एक्स्ट्राऑर्डनरी, मतलब जो थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोज होती हैं, जो स्काई में फ्लाई करती रहती हैं, उनको देखना एक्स्ट्राऑर्डनरी है, मतलब उनको, उनका व्यू जो होता है वो एक्स्ट्राऑर्डनरी होता है. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है इंटीमेसी. इट्स अ नाउन, इसका मतलब होता है घनिष्ठता, क्लोजनेस, टुगेदरनेस, एफिनिटी. सॉ द पिक्चर, सी द पिक्चर, ये द टू गर्ल, दीज आर इंटीमेट फ्रेंड्स, ओके. इंटीमेट में वर्ड आता है मेट, ओके. मेट का मतलब होता है फ्रेंड, और इंटीमेट हो गया तो मतलब घनिष्ठ और क्लोज फ्रेंड्स हो गए, तो दे आर क्लोज फ्रेंड्स, ओके. एंटोनिम इज बीइंग अनफ्रेंडली. बीइंग अनफ्रेंडली इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम. एग्जांपल सेंटेंसेस, द इंटीमेसी ऑफ दीज टू इज एविडेंट टू ऑल, इन दोनों की इंटीमेसी के बारे में सब जानते हैं. सो दिस इज़ माई लास्ट वर्ड, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.